हाई दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। मैं नबील है। एक और अपडेट आया एप्पल की तरफ से, ये है iOS 17.6 का बेटा 3। 17.6 की कहानी भी अपनी चल रही है जैसे iOS 18 की चल रही है। इसके भी बेटा वर्जन जो है एक के बाद एक आ रहे हैं, जैसे iOS 18 के आ रहे हैं। बाकी हम लोग अभी चल रहे हैं स्टेबल वर्जन 17.5.1 पे। जो लोग स्टेबल पे चला रहे हैं, जो लोग बेटा पे चला रहे हैं, शायद वो लोग iOS 18 को प्रेफर कर रहे होंगे, iOS 18 का बेटा 3 चला रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे ये भी एक बेटा है 17.6 का, जिसका 17.6 वाला स्टेबल अपडेट बहुत ही जल्दी आपको अपने आईफोन पे देखने मिलेगा। तो इस वाले बेटा वर्जन के अंदर क्या कुछ नया है, क्या खास है, आइए एक एक करके जो है हम चेकआउट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे अपडेट के साइज की। तो यहाँ पे 450 MB के आसपास का अपडेट है अगर आप बेटा 2 से बेटा 3 पे जा रहे हो। तो अगर उससे पुराने वर्जन से जा रहे हो या स्टेबल वर्जन से जा रहे हो, तो आपको बड़ा अपडेट साइज देखने मिल सकता है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन मेरा काम है आपको बताना, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे iOS वर्जन अपडेट से पहले का था 17.6, क्योंकि 17.6 बेटा 1 हो, बेटा 2 हो, बेटा 3 हो, बेटा 4 हो, RC वर्जन हो या स्टेबल वर्जन, सबका जो iOS वर्जन है वो 17.6 ही रहेगा। लेकिन बिल्ड नंबर अलग रहेगा, जो आगे हम चेक करेंगे। अवेलेबल फ्री स्पेस अपडेट करने से पहले थी 72.17 GB की, और मॉडेम फर्मवेयर था 1.70.02। अपडेट करने से पहले का बिल्ड नंबर जो था उसके एंड में हमको सी देखने मिला था। ये बिल्ड नंबर है, इसमें ही चेंजेस होते हैं बेटा 1, 2, 3, 4 में, लेकिन जो iOS वर्जन है वो सेम रहता है। अपडेट के बाद 17.6 ही यहाँ पे iOS वर्जन आपको देखने मिलेगा, क्योंकि अगेन बेटा 3 आया है, लेकिन iOS वर्जन सेम है। और अवेलेबल फ्री स्पेस 1 GB के करीब से जो है घट गई है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई भी नया मॉडेम फर्मवेयर हमको देखने नहीं मिल रहा है। अवेलेबल फ्री स्पेस क्यों घटी है, 1 GB क्या कंसर्निंग है या नहीं, वो आगे हम स्टोरेज वाले चैप्टर में चेकआउट करेंगे। बिल्ड नंबर अगर यहाँ पे इस वाले अपडेट में हम देखें तो सरप्राइजिंगली यहाँ पे डी निकल के आया है। ये स्क्रीनशॉट एक बार हम सेटिंग में जाके भी चेक कर लेते हैं। सेटिंग जनरल अबाउट में जाते हैं, यहाँ पे iOS वर्जन चेक करेंगे तो यहाँ पे डी एंड में, जिसका मतलब है ये अब फाइनल वर्जन से थोड़ा सा और दूर हो गया। सी के बाद शायद बी या ए एक्सपेक्टेड था, लेकिन यहाँ पे डी आ गया, मतलब एक दो और अपडेट जो है इसमें आ सकते हैं बिफोर वी गेट RC वर्जन, इसके पहले कि हमको RC वर्जन मिल जाए, जो कि रिलीज कैंडिडेट वर्जन होता है या स्टेबल वर्जन होता है। अब ये जो अपडेट है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा अपडेट या मेजर अपडेट नहीं है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस है जो बेटा 1, 2 में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब 3 में बेटा 1 और 2 के अलावा क्या कुछ आपको देखने मिलने वाला है, या उससे रिलेटेड जो है या उसका कंटिन्यूशन में क्या कुछ देखने मिलने वाला है, वो बता देता हूं यहां पे, या जिसमें कुछ चेंज है वो बता देता हूं। यहां पे अगर हम चलते हैं फाइंड माई के अंदर, तो फाइंड माई के अंदर जब कोई डिवाइस को, आपके आईफोन को आप रिपेयर मोड में डालते हो, तो उसको यहां पे रिपेयर मोड से निकालने का कोई ऑप्शन जो है अभी तक आया नहीं है। तो ये चीज अभी तक एप्पल ने फिक्स नहीं किया है। रिपेयर मोड क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे हमारा ये आईफोन है, अगर हमको इसको देना है सर्विस सेंटर में, एप्पल के ही सर्विस सेंटर में देना है या कहीं भी देना है रिपेयर करने के लिए, तो सबसे पहला काम हमको करना पड़ता है फाइंड माई आईफोन या फाइंड माई डिवाइस या जो भी है, फाइंड माई उसको ऑफ करना पड़ता है। क्यों ऑफ करना पड़ता है, ताकि वो लोग उस पर काम कर सके। लेकिन अब जो रिपेयर मोड एप्पल लेके आया, उसके अंदर क्या होगा, आपको फाइंड माई ऑफ किए बिना आप उनको दे सकते हैं। इनकेस उनके हाथ से फोन चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है, कोई उनका एम्प्लॉय उसको लेके भाग जाता है, या कोई गलत कस्टमर को दे देते हैं, उस केस में, जो कि होता नहीं है अनलाइकली, लेकिन अगर हो जाता है आप अपने फोन को फाइंड कर पाएंगे, इसलिए ये रिपेयर मोड लेके आया। लेकिन अभी फिलहाल रिपेयर मोड में आप अपने किसी भी डिवाइस को डालेंगे तो वो रिपेयर मोड से बाहर आ नहीं पाएगा। इस बात का ध्यान रखना कि उससे होता कुछ नहीं है, नॉर्मल आप यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे उससे एग्जिट करने का कोई ऑप्शन अभी तक एप्पल ने एनेबल नहीं किया। शायद फाइनल स्टेबल वर्जन में हमको देखने मिल जाएगा। इसी अपडेट के अंदर एक और चीज आपको देखने मिलेगी, जो कि मेरे फोन में अभी तक जो है काम नहीं किया है, वो ये है कि चार्जिंग पोर्ट में अगर पानी चला जाता है और चार्जर अगर आप कनेक्ट करते हो, तो यहाँ पे आपको एक वार्निंग आएगी कि चार्जिंग पोर्ट में पानी है डिटेक्टेड है, और आप इसको थोड़ी देर ड्राई होने को रखो और उसके बाद जो है चार्जिंग पे आप इसको लगाइए। तो अभी तक मैंने इसको जो है रिप्रोड्यूस नहीं कर पाया हूँ, पानी मार के भी मैंने देखा लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ये चीज इस अपडेट के अंदर है, तो मेरा काम है आपको बताना। इस अपडेट के अंदर रिसेंटली डिलीटेड जो एल्बम है उसमें अगर कोई फोटो आपकी है रिसेंटली डिलीट, मतलब जो डिलीट किया आपने, तो यहाँ पे आ जाती है। इसको अगर आप डिलीट करते हो तो यहाँ पे जो टेक्स्ट आया है, जो इसका डिस्क्रिप्शन है, वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। यहाँ पे लिखा है दिस विल परमानेंटली डिलीट द सिलेक्टेड फोटो, दिस एक्शन कैन नॉट बी अंडन। तो ये परमानेंटली वाला जो वर्ड है ये नया यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड किया है, जो कि थोड़ा सा अलग है पहले के मुकाबले। इसके अलावा इस अपडेट में नया कुछ नहीं है आपको बताने लायक, बस यहाँ पे एप्पल न्यूज रूम की एक न्यूज आपको देता हूँ कि यहाँ पे 9 जुलाई 2024 को एप्पल ने ये न्यूज रिलीज किया है। यहाँ पे 3 न्यू गेम्स इंक्लूडिंग टेंपल रन लेजेंड्स एंड वैम्पायर सर्वाइवर्स प्लस जो है ये एप्पल आर्केड में अगस्त में आने वाला है। ये अपडेट से रिलेटेड नहीं है, बस एक न्यूज है तो मैं आपको दे रहा था। बाकी यहाँ पे क्या इसके अंदर बग्स है वो चेकआउट करते हैं। तो इस अपडेट के अंदर आज भी लोगों को अलार्म क्लॉक से रिलेटेड बग जो है वो देखने मिल रहा है, खास करके उन लोगों को जिन्होंने एक स्लीप शेड्यूल जो है इसका सेट करके रखा है। तो अगर आप हेल्थ में गए और आपने एक स्लीप शेड्यूल जो है वो सेट करके रखा है, तो यहाँ पे आपको इसमें इशू आ सकता है। समझो ये बेड टाइम मैं सेट कर देता हूँ और यहाँ पे एनेबल कर देता
देता हूं और इसके अंदर मैं अभी अलार्म अगर सेट कर देता हूं तो ये अलार्म जो है कभी कभी लोगों का बज नहीं रहा है। ये एक इशू जो है लोगों को बहुत ज्यादा फेस करना पड़ रहा है। तो आप मैनुअली एक बार अलार्म जो है सेट कर लीजिए। स्लीप शेड्यूल के ऊपर जो है ज्यादा भरोसा मत कीजिए, अगर आप इस वाले अपडेट पे हो तो आपको दिक्कत आ सकती है, आप उठेंगे नहीं, सुबह काम पे जा नहीं पाएंगे। इसके अलावा कोई मेजर बग यहाँ पे इस वाले अपडेट के अंदर वैसे तो नहीं है, काफी स्टेबल अपडेट है, काफी अच्छा अपडेट है। अब यहाँ पे बात हम करते हैं स्टोरेज और नेटवर्क के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे स्टोरेज के बारे में। तो स्टोरेज जैसे मैंने आपको बताया 1 GB से घट गया था, तो यहाँ पे जो सिस्टम डेटा है वो स्लाइटली मुझे ज्यादा देखने मिल रहा है इस वाले फोन के अंदर, जो कि है 7.5 GB का। बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन हाँ ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू मेरा iOS 18 पे चलने वाला iPhone 15 Pro Max जिसमें 1.07 GB का यहाँ पे सिस्टम डेटा होता है। लेकिन इस वाले फोन में हमेशा से मैं देख रहा हूँ थोड़ा ज्यादा सिस्टम डेटा जो है मुझे देखने मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे कोई दिक्कत वैसे ओवरऑल नजर नहीं आ रही है, लेकिन हल्का सा ज्यादा की तरफ है यहाँ पे सिस्टम डेटा वाला। बाकी रही बात जो 1 GB बढ़ गई थी अवेलेबल फ्री स्पेस, वो बाद में जाके कम भी कई बार जो है हो जाती है, ये भी मैंने देखा है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं 71.45 GB अभी हो चुका है जबकि इससे कम था, थोड़ी अवेलेबल फ्री स्पेस बढ़ गई है। अभी यहाँ पे नेटवर्क की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे नेटवर्क में कोई मोडेम फर्मवेयर तो नया नहीं आया है, तो मोबाइल डेटा वाईफाई वगैरह सारी चीजें वैसे ही आपको काम करती नजर आएगी। लेकिन इस अपडेट के अंदर ब्लूटूथ के अंदर स्लाइड इंप्रूवमेंट है। यहाँ पे ब्लूटूथ हेडफोन्स अगर आप इस्तेमाल करते हो, एयरपॉड्स इस्तेमाल करते हो या थर्ड पार्टी वाले, उसमें थोड़ा कनेक्टिविटी और परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आपको देखने मिल सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम इसकी बैटरी हेल्थ के बारे में और बैटरी लाइफ के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए बैटरी लाइफ के बारे में वैसे बताना तो नामुमकिन है क्योंकि बेटा अपडेट है। iOS 18 का होता तो जरूर बता पाता क्योंकि वो प्राइमरी फोन पे मेरे इंस्टॉल्ड है। बाकी ये जो बेटा वर्जन है इसकी बैटरी लाइफ बताना मुश्किल है जब तक स्टेबल वर्जन ना आ जाए। स्टेबल वर्जन आएगा तो डेफिनेटली मैं आपको रिव्यू वीडियो के अंदर बताता हूं। बाकी यहाँ पे बैटरी हेल्थ चेकआउट करते तो अभी भी देख सकते 100% है इस फोन की। साइकिल काउंट भी ज्यादा नहीं है, ये फोन मेरा प्राइमरी फोन नहीं है बट ऑफिस का फोन है जिसमें हम अपडेट इंस्टॉल करते चेक करते बेटा वर्जन डालते, तो बैटरी के ऊपर थोड़ा बहुत तो असर पड़ता है। लेकिन अपडेट की वजह से बैटरी हेल्थ आपकी नहीं गिरेगी, गिरनी है तो जरूर गिरेगी लेकिन अपडेट की वजह से नहीं, अपडेट के बाद तो बस रिकैलिब्रेट हो जाती है। अब परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, तो ओवरऑल जो जनरल परफॉर्मेंस अच्छा है, सारे एप्लीकेशन काम करे, iOS 17 बहुत स्टेबल है और उसका बेटा वर्जन भी जो है काफी स्टेबल है। रही बात बेंचमार्क्स की, तो इसमें देख लेते परफॉर्मेंस घटा है या बढ़ा है। सीपीयू का स्कोर सबसे पहले देखते हैं, तो यहाँ पे सीपीयू का स्कोर पिछला जो था वो था 2618 और 6477 सिंगल एंड मल्टी कोर, और आज का है 2550 और 6377। तो सिंगल कोर मल्टी कोर स्कोर दोनों का ही थोड़ा थोड़ा कम हुआ है। मल्टी कोर के अंदर 100 पॉइंट्स का ड्रॉप यहाँ पे देखने मिल रहा है, लेकिन अब यहाँ से देखें तो 300 पॉइंट्स का जो है ड्रॉप आपको देखने मिल रहा है। तो एप्पल डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर रहा है। iOS 18 में भी मैंने देखा कि मल्टी कोर स्कोर सीपीयू का जो है वो काफी कम किया एप्पल ने, 300 पॉइंट 400 पॉइंट यहाँ पे भी कर रहा है। मे बी हीटिंग इशू को जो है काउंटर करने के लिए एप्पल ये चीज कर रहा है, हीटिंग इशू ना हो। लेकिन क्या इससे परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत आ रही है? फिलहाल तो नहीं आ रही, जनरल परफॉर्मेंस अच्छा ही लग रहा है। गेमिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम आ सकती है नहीं, उसके लिए हम यहाँ पे जो जीपीयू के स्कोर है वो देख लेते। तो यहाँ पे 23191 था पिछला स्कोर और अभी है 23047, और यहाँ पे अगर पहले से कंपेयर करें तो स्लाइटली ऑन द हायर साइड है। 23000 की रेंज या 22000 की एंड वाली रेंज जो है ये अच्छी रेंज है इस पर्टिकुलर फोन के लिए, जो कि है मेरा iPhone 15 Plus। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है और आपका गेमिंग परफॉर्मेंस में कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए आपको। iOS 17.6 बेटा 3 का ये जो है पूरा यहाँ पे मैंने अपडेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो आपको दिया, लेकिन इसके अलावा कुछ और अपडेट्स भी आने वाले हैं, इस बात का ध्यान रख लेना। जैसे iOS 17.5.1 पे आपका फोन चल रहा होगा, 17.5.2 भी एक्सपेक्टेड है, हो सकता है इस वीक आ जाए, हो सकता है नेक्स्ट वीक आ जाए, ये कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन एप्पल उसके ऊपर वर्क कर रहा है। 17.6 का क्योंकि आपने देखा कि सी से फिर से डी पे आ गया उसका बिल्ड नंबर, तो हो सकता है उसको टाइम लगेगा 2-3 हफ्ते और, लेकिन 17.5.2 जो है ये कमिंग सून मैं आपको यहाँ पे बोल सकता हूँ। रही बात 17.6 बेटा 3 पे क्या आपको अपडेट करना चाहिए? करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए, इसमें कोई रिस्क नहीं। अगर आप 17.6 के बेटा वर्जन पे ऑलरेडी हो तो करने में भलाई है, अदरवाइज कोई इसका सेंस बनता नहीं और कोई इसका बेनिफिट है भी नहीं। 7.5.1 पे रहिए, 7.5.2 आपको मिलेगा उस पे करना, उसके बाद जब ये अपडेट आएगा तो उस पे कर लेना, या फिर iOS 18 पे हो तो फिर वो कम्प्लीटली अलग बात है। यही दिखानी दोस्तों iOS 17.6 बेटा 3 की। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।